युद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान की सेना प्रमुख बदलने की तैयारी सामने आ रही है। फैज हमीद की नियुक्ति की कोशिश देखिए किस तरह से यहां पर की जा रही है। ओआईसी की बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है और ये ऐलान किस तरह से यहां पर किया जाएगा नजरें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस तरह से अब अपनी गद्दी यहां पर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं या फिर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, इसकी चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। इमरान की सेना प्रमुख बदलने की यह पूरी तैयारी यहां पर सामने आ रही है। फैज हमीद की नियुक्ति की कोशिश देखिए किस तरह से अब पलटवार के तौर पर यहां पर सामने आ रही है और ओआईसी की बैठक के बाद इसे लेकर एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत से यहां पर जुड़ी हुई है, यानी पाकिस्तान में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो बड़े बदलाव की तरफ दिखाई देता है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पाकिस्तान की सियासत में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस पलटवार को किस लिहाज से लेना जरूरी हो जाता है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के बाद पूरी दुनिया की नजरें अगर कहें यूक्रेन में युद्ध तो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासत में लगातार बदलाव और बयानों का दौर चल रहा है उससे पाकिस्तान की राजनीति पर सबकी नजर है। अब एक खबर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से कि वहां से आर्मी चीफ को बदल सकते हैं इमरान खान। ओआईसी कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव से स्पीकर फैसला करेंगे, सत्र बुलाया गया। इन दोनों तिथियों के बीच में ही एक नए जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि जिनका नाम फैज हमीद है। फैज हमीद पूर्व में डायरेक्टर जनरल रहे थे आईएसआई के और 3 स्टार जो होता है उस स्तर के ऑफिसर है पाकिस्तान की आर्मी में, तो एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन बाजवा को इस बात की भनक लग गई है कि अगर इमरान खान ऐसा करते हैं तो उससे पहले तख्ता पलट हो सकता है। इमरान खान का बयान अभी हाल में देखा होगा किस तरह से उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, तो यानी कहीं ना कहीं हलचल बहुत तेज है इमरान खान के अंदर भी और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओआईसी कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है जो कि पाकिस्तान में आयोजित हो रहा है, उसके बाद ही कुछ होने की उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान भी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे कि उस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो, जबकि दुनिया के अलग अलग देशों के खासकर ओआईसी देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान में मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी खबर कि वहां के आर्मी चीफ को बदल सकते हैं इमरान खान सूत्रों से आ रही है, लेकिन कब करेंगे और क्या यह पुख्ता होता है आधिकारिक तौर पर इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा महज 3 से 4 दिनों का। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नीरज आपका। तो जाहिर सी बात है इमरान खान से इस पलटवार की उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन अगर इमरान खान के जरिए यह बदलाव किया जाता है, बड़ा बदलाव किया जाता है, तो क्या यह इमरान की कुर्सी को बचाने में कारगर साबित होगी? अब नजरें इस पर टिकी हुई हैं। जनरल फैज हमीद का नाम सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की गद्दी उन्हें मिल सकती है। ओआईसी की जो बैठक है जो आज से शुरू हो रही है, इसके बाद इमरान खान इस बारे में ऐलान भी कर सकते हैं क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई कदम, ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया गया तो उनकी खुद की गद्दी किसी भी वक्त उनके नीचे से खिसक सकती है। खबर है कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान के इस प्लान के बारे में जानकारी भी है। सूत्रों के मुताबिक जनरल बाजवा इमरान के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं और अगर इमरान ऐसा करते हैं तो तत्काल उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले ही इमरान खान अपनी बाजी यहां पर मार सकते हैं और साथ ही साथ जो यह बदलाव यहां पर दिखाई दे रहा है फिलहाल पाकिस्तान के लिहाज से कहा जा सकता है कि एक ऐसा उलटफेर यहां पर दिखाई देगा जो कि सेना और प्रधानमंत्री दोनों के बीच में एक बड़ी लकीर को खींचता हुआ नजर आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान की सेना प्रमुख बदलने की यह पूरी तैयारी किस तरह से सियासी लहजे से बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास गवाह है कि किस तरह से इस तरह के बड़े बदलाव पहले भी देखने को मिलते रहे हैं। फैज हमीद की नियुक्ति की कोशिश इमरान खान की तरफ से जरूर की जा सकती है और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके जरिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है, प्रधानमंत्री की वो पदवी उन्हें छोड़नी पड़ सकती है जो कि उनके खिलाफ यहां पर कई बड़ी साजिश का भी ताना बाना बुनती हुई दिखाई देती है। और महायुद्ध की तरफ लौटते हैं। 27वां दिन है, यूक्रेन और रूस की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इतने खतरनाक मोड़ पर कि विश्व युद्ध की आहट भी साफ साफ सुनाई देने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कह दिया है कि अगर जंग नहीं रुकी तो तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। धमाके भी बहुत छोटे हैं, अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे।
जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक और फिर नॉबल न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। Children, you cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। और एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। सऊदी अरब पर हमले की यह खबर सामने आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों का यह हमला यहां पर सामने आया है। हूती विद्रोही लगातार इससे पहले भी हमले करते रहे हैं और एक बार फिर से सऊदी अरब के कई इलाकों को अपना निशाना बनाते हुए हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ा नुकसान देखिए एक तेल कंपनी को किया गया है। मिसाइल और ड्रोन से हूती विद्रोहियों के खतरनाक हमले यहां पर सामने आए हैं और पिछले कुछ महीनों का जिक्र करें तो हूती विद्रोहियों के ये हमले और भी तेज रफ्तार के साथ दिखाई दिए हैं। तो सऊदी अरब को एक बार फिर से हूती विद्रोहियों का यह हमला झेलना पड़ रहा है। 10 मार्च का भी जिक्र करें तब भी राजधानी रियाद में किस तरह से ड्रोन से हमला यहां पर किया गया था, तेल रिफाइनरी में भी उस वक्त यह हमला किया गया था। यानी कि हूती विद्रोहियों के यमन संघर्ष का जिक्र करें तो 29 मार्च से रियाद में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 6 देशों के खाड़ी सहयोग परिषद के निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार भी कर दिया। इस बीच ये समझ लेना जरूरी हो सकता है कि किस तरह से सऊदी अरब पर जो ये हमले हूती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं, ये हमले पिछले कुछ महीनों के लिहाज से देखे जाए तो